लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ. अब ओम्स लॉ कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता, ये सीबीएसई में एक नंबर का आ जाता है. तो ओम लॉ स्टडी करने से पहले दो टर्म्स हैं, ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर्स. ऐसी जगह, ऐसे कंडक्टर्स जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है और ओम्स लॉ एप्लीकेबल है तो वो ओमिक कंडक्टर है. जहाँ ओम लॉ एप्लीकेबल नहीं है वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं. अब कहाँ एप्लीकेबल नहीं है उसको देखते हैं. रूल नंबर वन, किसी भी ओमिक कंडक्टर के लिए, किसी भी ओमिक कंडक्टर के लिए ये रिलेशन होल्ड्स गुड. ये बिल्कुल सही रिलेशन है, वी प्रोपोर्शनल टू वाई. और मैथ में जब एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजन, तो ग्राफ को ओरिजन से पास करना है. ठीक है यहां तक, तो ओमिक कंडक्टर माना जाएगा. अब फेलियर ऑफ ओम्स और नॉन ओमिक कंडक्टर में वो कह रहा है कि ये जो है स्ट्रेट लाइन नहीं रहता या ओरिजन से पास नहीं होता. तो नॉन ओमिक कंडक्टर के अंदर ये जो ग्राफ है वी आई ग्राफ, ये ओरिजन से पास नहीं होता तो ओमिक कंडक्टर नहीं है, और ये लीनियरली टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो भी ओमिक कंडक्टर नहीं है. ठीक है यहाँ तक, तो फेलियर ऑफ ओम्स लॉ. वो कह रहे हैं जी एक मेटल का कंडक्टर ले लें, एक मेटल के कंडक्टर में आई करंट पास करें, आर इसकी रेजिस्टेंस है, तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल है. जब ओम्स लॉ इसमें एप्लीकेबल था तो वी आई ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल यहां पर एप्लीकेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन हुआ क्या, बहुत देर तक करंट पास करने से इतनी टक्करें हुई कि वायर ही गर्म हो गई. वायर जब गर्म हो गई तो हुआ क्या, रेजिस्टेंस बढ़ गई. मैं बता दूं आपको कि वायर गर्म होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. क्यों बढ़ती है, क्योंकि जब वायर गर्म होती है टेम्परेचर बढ़ता है तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घटता है. तो मैंने बताया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घटता है, जल्दी कोलिजन्स होती हैं. और अगर आप ध्यान से देखें ऊपर ओम लॉ के प्रूफ में, यहाँ तक रिलेशन किया था हमने, ये फॉर्मूला था, ये रहा, इसके अंदर ये फॉर्मूला था किसका, ये फॉर्मूला था रेजिस्टिविटी का, ये फॉर्मूला था. तो मैंने ये बताया कि जब आपकी एवरेज रिलैक्से, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो टाउ घटता है, घटता है, टाउ घटने से, इसके घटने से ये पूरा रो बढ़ता है. मटेरियल तो सेम है लेकिन रेजिस्टिविटी मटेरियल के साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से ये डिनोमिनेटर घटता है, रो बढ़ता है, रो बढ़ता है तो आर की वैल्यू भी बढ़ती है, तो इंक्रीज हो जाती है. तो याद रखना टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, घटती नहीं है. टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, बढ़ जाती है, घटती नहीं है, याद रखेंगे यहां तक. तो जब ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर V इज इक्वल टू आई आर एप्लीकेबल था, और ओम लॉ के अंदर R इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट. हुआ क्या, बहुत देर के लिए करंट पास हो गया. जब बहुत देर के लिए करंट चला गया तो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो गई, इंक्रीज. तो इनका प्रोडक्ट थोड़ा और ज्यादा क्या हो गया, इंक्रीज. मतलब बड़ी कम वैल्यू ऑफ करंट पे, ये देखो बहुत कम वैल्यू ऑफ करंट पे एकदम वी बढ़ना स्टार्ट हो गया और ग्राफ लीनियर नहीं रहा. एकदम क्यों बढ़ा, क्योंकि आर की वैल्यू भी बढ़नी स्टार्ट हो गई, तो ग्राफ टेढ़ा हो गया. जैसी ग्राफ टेढ़ा हुआ ओम लॉ फेल हो गया. तो ओम लॉ नंबर वन कहाँ फेल होता है, जब वायर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है हीटिंग अफेक्ट से, टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से ओम लॉ रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट नहीं रहती, ओम लॉ फेल हो जाता है. नंबर टू, वाटर वोल्टामीटर. वोल्टामीटर बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस के काम आते हैं, पानी का वोल्टामीटर है. जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो शुरू में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, मिनिमम थ्रेशहोल्ड वोल्टेज चाहिए होती है इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए, तब जाके वो करंट उसमें पैदा होता है, या करंट जो है कंडक्ट होता है. करंट जो है कंडक्ट तब होगा जब मिनिमम वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज होती है. वाटर के उसको डिसएसोसिएट भी करना है, तोड़ना भी है. तो ग्राफ ओरिजिन से नहीं पास हो रहा, ओमिक कंडक्टर नहीं, ओम लॉ फेल है. तो यानी कि हीटिंग अफेक्ट जहां है वहां तो ओम लॉ फेल है ही है, पानी के वोल्टामीटर के अंदर भी ओम लॉ फेल है, नहीं लगता. नेक्स्ट स्टेप पीएन जंक्शन डायोड. हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर दो किस्म के होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इनके कॉम्बिनेशन को डायोड बोलते हैं, पी एन डायोड. डायोड का मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है.
तो अगर मैं सेमीकंडक्टर में बैटरी लगा के करंट मेजर करूं तो ग्राफ बड़ा टेढ़ा मेढ़ा आता है, स्ट्रेट नहीं आ रहा, ओम लॉ फेल है, सेमीकंडक्टर में ओम लॉ नहीं लगता। फिर मैंने लिया थायरिस्टर, थायरिस्टर का मतलब है बहुत सारे सेमीकंडक्टर से बना हुआ कॉम्बिनेशन को थायरिस्टर बोलते हैं। जब मैंने थायरिस्टर में बैटरी लगाई और करंट मेजर किया, बहुत ही बेकार ग्राफ है, बिल्कुल ओम लॉ एप्लीकेबल नहीं, स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। तो आपसे पेपर में पूछेगा कहाँ कहाँ ओम लॉ फेल होता है, तो आप पहले लिखेंगे जहाँ वायर गर्म हो जाती है, रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट नहीं रहती, वहाँ ओम लॉ फेल है। फिर दूसरा लिखेंगे पानी के वोल्टामीटर में जब देखा गया ओम लॉ फेल है, क्योंकि ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं होता। तीसरा देखेंगे सेमीकंडक्टर में, पीएन सेमीकंडक्टर में जब करंट को मेजर किया गया, ओम लॉ एप्लीकेबल नहीं देखा गया। और लास्ट थायरिस्टर में ओम लॉ फेल है, क्योंकि पीएन सेमीकंडक्टर से बना हुआ है और इसके अंदर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आया, तो ओम लॉ यहाँ पर भी फेल है। वो पूछेगा, ये नहीं पूछेगा क्यों फेल है, पूछेगा कहाँ कहाँ फेल है, यहाँ यहाँ फेल हो जाएगा।